सदियों से वीरान पड़ा है ये किला, जहाँ के राजा ने कटवा दिया था अपनी रानी का सिर। और दुनिया का ऐसा देश जहाँ की जाती है अपराधियों की पूजा, दर्शन के लिए दूर दूर से पहुँचते हैं लोग। हमारे देश में हजारों किले हैं, इनमें से कुछ किले आज भी सुरक्षित हैं तो कुछ किले खंडर में तब्दील हो चुके हैं। वहीं कुछ किलों को अब भूतिया समझा जाने लगा है। आज हम आपको अपने देश के एक ऐसे ही किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो सदियों से वीरान पड़ा है। इस किले में राजा ने अपनी ही रानी का सिर काट दिया था। यह किला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे एक बेहद ही हैरान करने वाली ऐतिहासिक कहानी है। इस किले का नाम रायसेन का किला है। सन 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का अद्भुत प्रमाण है, जो कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी शान से उसी तरह खड़ा है जैसे पहले था। बलुआ पत्थर से बने इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं। इन दीवारों के 9 द्वार हैं और 13 बुर्ज हैं। इस किले का शानदार इतिहास रहा है। यहाँ कई राजाओं ने शासन किया है, जिनमें से एक शेरशाह सूरी भी था। हालांकि यह किला जीतने में उसके पसीने छूट गए थे। तारीखें शेरशाह सूरी के मुताबिक 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी वो यह किला नहीं जीत पाया था। कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्कों को लगवा कर तोपें बनवाई थीं, जिसकी बदौलत ही उसे जीत नसीब हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में इसे जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया था। उस समय किले पर राजा पूरनमल का शासन था। उन्हें जैसे ही यह पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है। कहते हैं कि यहाँ के राजा राजसेन के पास पारस पत्थर था, जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे, लेकिन जब राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया। कहते हैं कि कई राजाओं ने इस किले को खुदवा कर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आज भी लोग यहाँ रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगती है। इसको लेकर यह कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पत्थर ढूंढने आने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न करता है। हालांकि पुरातत्व विभाग को अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है, लेकिन कहीं सुनी कहानियों की वजह से लोग चोरी छुपे पारस पत्थर की तलाश में इस किले में पहुंचते हैं। दुनिया का ऐसा देश जहां की जाती है अपराधियों की पूजा, दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं लोग। दुनिया के हर देश में पूजा पाठ के अलग अलग नियम हैं, लेकिन हर देश में भगवान की ही पूजा की जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के लोग भगवान को नहीं बल्कि अपराधियों की पूजा करते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि अक्सर समाज में लोग अपराधी किस्म के लोगों से खौफ खाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वह तो उस अपराधी की पूजा करता है, यानी डरता है। लेकिन इस देश में लोग डर से नहीं बल्कि यकीनन उसकी पूजा करते हैं। यहाँ के लोग अपराधियों की बाकायदा मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं टैलिन अमेरिका देश वेनेजुएला के बारे में। आर्थिक संकट से गुजर रहे वेनेजुएला के लोग पुराने अपराधियों की छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। स्पेनिश भाषा में इन अपराधी देवताओं को सेंटोस मेलोडोस कहा जाता है। बताया जाता है कि
पहले के समय में सभी बदनाम अपराधियों की छोटी छोटी मूर्तियों को एक जगह पर रखा गया है, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वेनेजुएला में जनता के बीच इन अपराधियों की छवि रॉबिनहुड वाली रही है। ये सभी अपराधी अमीर लोगों की दौलत लूटकर गरीब लोगों के बीच बांट देते थे, इसलिए यहाँ के लोग इन अपराधियों की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी की हत्या नहीं की, सिर्फ अमीरों को लूटा और गरीबों में लूटा हुआ पैसा बांट दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि मेलोडरों ने अच्छा काम किया है, जिसके लिए उन्हें कुछ इनाम दिया जाना चाहिए। अगर इनकी पूजा अर्चना नहीं की जाएगी तो ये हमसे खफा हो जाएंगे। बता दें कि जिस तरह हमारे देश में किसी की मन्नत पूरा होने पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है, ठीक उसी तरह वेनेजुएला के सैंटोस मेलडोज को भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है। बताया जाता है कि अगर वेनेजुएला में कोई इंसान किसी बात से परेशान है तो वो मेलडरो से मन्नत मांगता है, यही नहीं उसकी मन्नत पूरी भी होती है। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग सैंटोस मेलडोज को चढ़ावे में शराब चढ़ाते हैं। लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से ये खुश होकर उन्हें बलिदान देते हैं और उनका काम बन जाता है। हाँ, लोग इस बात की सलाह देते हैं कि इन अपराधियों को चढ़ावे में ज्यादा शराब नहीं दी जानी चाहिए, वरना ये काम छोड़कर जश्न मनाने लगेंगे, इसीलिए लोग उन्हें चकने भर के लिए बीयर देते हैं। आई होप यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।